मैम, अगर हम बात करें आज सर्वदलीय बैठक हुई, लगभग 3 घंटे की बैठक हुई, आपने क्या मांगे रखी थी? देखिए, सबसे पहले मैंने किसानों का मुद्दा उठाया कि प्रधानमंत्री जी ने किसानी आंदोलन में किसानों को उठाने के समय जो वादा किया था, ये शोभा नहीं देता देश को कि सबसे ऊंचे पद पे बैठे हुए जो उनको किसानों के साथ वादा करके आप आंदोलन उठाते हैं और 3 साल बाद आप वो चीजें लागू नहीं करते, आज भी किसानों को आंदोलन में बैठना पड़ रहा है। तो किसानी मुद्दे एड्रेस किए जाएं और किसानों के साथ ही जुड़ा हुआ पानी का मुद्दा। अब पानी जैसे एसवाईएल की जो नहर हमारे पंजाब की है, तो जो ये दिल्ली की पार्टी, चाहे आम आदमी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, ये पंजाब में कुछ बोलती है और बॉर्डर तापते जाते हरियाणा में कुछ और बोलती है और आम आदमी पार्टी अदालत में कुछ और बोलती है। सो पानी के ऊपर चर्चा होनी चाहिए क्योंकि कई राज्य पानी से, बाढ़ से अफेक्ट होते हैं। अब हमारा जब घग्गर में अब बरसात होगा, जब ओवरफ्लो होगा तो बंद तोड़ देंगे ताकि हरियाणा के गांव बच जाए और पंजाब में पानी डाल देते हैं, लेकिन जब पानी कम होता है तो कहते हैं एसवाईएल की नहर बनाओ और पंजाब का पानी हरियाणा में दिया जाए। सो ये सब देश के सामने होना चाहिए, कौन पार्टी का क्या स्टैंड है तो उसकी चर्चा की जाए। तीसरा मुद्दा मैंने ड्रग्स का रेज किया कि क्रॉस बॉर्डर नाको टेररिज्म, जो बॉर्डर के पार से ड्रोन के राही जितने नशे पंजाब में आके पंजाब में तबाही नहीं, पूरे देश में नौजवानों को खत्म किया जा रहा है, इसके सरकार ने पिछले 10 सालों से क्या एक्शन लिया, क्योंकि जो एक्शन लिए वो बिल्कुल फेल हुई है। ये हर तरीके से बढ़ता जा रहा है, ना स्टेट की सरकार कंट्रोल कर सकी है। जो आते इलेक्शन के टाइम में वादे कर देते हैं, गारंटियां दे देते हैं, लेकिन जवानी खत्म हो रही है। तो मैंने ड्रग्स का मुद्दा भी मैंने रेज किया और अखीर में जो माइनॉरिटीज के ऊपर जो अटैक हो रहे हैं, चाहे यूपी की सरकार ने जो ये बोर्ड लगा के अपना नाम और धर्म लिखने की बात करी है, तो दूसरे राज्यों में भी किया जा रहा है, क्लियरली वो एक माइनॉरिटी को टारगेट किया जा रहा है। इसी तरह सिखों को भी टारगेट किया जा रहा, जो अमृतधारी सिख हैं उनको जुडिशियल एग्जाम में एग्जामिनेशन नहीं दिया जा रहा, कह रहे कि अपने जो आपके ये ककार होते हैं, आप कृपान होती है, उसको निकाले नहीं तो आप नहीं दे सकते। न्याय संहिता जो नया कानून लागू हुआ 1 जुलाई से, सबसे पहले हमारे एक सिख प्रधान गंगानगर, उसको अरेस्ट किया गया क्योंकि जो उधर का मंत्री था जो कह रहे थे कि सारे गुरुद्वारों को डिमोलिश करना चाहिए, उसके खिलाफ हमारे प्रधान जब बोले तो प्रधान के ऊपर एनएसए लगा दिया, लेकिन जो ऐसी बात कर रहा था कि डिमोलिश, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। सो ये सारी दोगली राजनीति और जांच एजेंसियों के बारे में दूसरी पार्टियों ने जो बोला, तो मैंने ये भी बोला कि पक्षपात जो किया जा रहा है, अब दिल्ली के मुख्यमंत्री को अरेस्ट किया गया है लिकर स्कैम में, वही लिकर स्कैम उन्हीं लोगों ने पंजाब में भी किया और उसका पूरा प्रूफ भी मैंने दिया है और पार्लियामेंट में रेज करके मुझे होम मिनिस्टर ने अश्योरेंस भी दिए, लेकिन पिछले 2.5 साल से पंजाब के मुख्यमंत्री को हाथ तक नहीं लगाया। सो दिल्ली के मुख्यमंत्री को जेल, लेकिन पंजाब के मुख्यमंत्री के साथ आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है कि वही चुना पंजाब के खजाने को लगा लेकिन उस मुख्यमंत्री को आप हाथ नहीं लगा रहे? तो ये जांच एजेंसी है कि ये पिक एंड चूज पॉलिसी क्यों चल रही है।